Hello friends, welcome to my Jhalak Youth Skill and Research Channel. So here I am going to show you friends कुछ innovative जो हमारी farming है, innovative farming मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, कुछ with soil and soilless both. तो आप यहाँ बहुत सारे देखेंगे कि resources की कमी में भी मैंने कुछ ऐसे innovative way में जो है farming करी है. यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ये है, तो ये मैंने एक पॉलीथीन जो आटा जिसमें आता है उस पॉलीथीन बैग को ही लेकर के मैंने इसमें जो है बैंगन के पौधे लगाए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सब्जी भी बैंगन भी लग चुके हैं. दूसरा आप देखेंगे ये जो है ये सॉइललेस फार्मिंग है. इसमें आप देखेंगे कि ये मेथी लगी हुई है और ये जो डब्बा है ये जो थर्माकोल का डब्बा है जो कि जिसमें कि कप्स आए थे तो वो वेस्ट था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है इसमें मेथी बहुत सुंदर हो रही है और ये मेरे किचन के लिए मेरा छोटा सा किचन गार्डन है तो इसे मैं कहीं भी रख देती हूँ और फ्रेश फ्रेश जो है ऊपर से या पत्तियाँ कुछ जो है डालें तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है. तो इसमें मैंने डाला क्या क्या है आइए देखिए. ये है ये जो है परलाइट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है हमारी जो इससे बनती है कोकोपीट जो कि कोकोनट से बनती है. तो मैंने एक ये भी आपके सामने रखा है ताकि आप समझ पाएं कि कैसे बनता है कोकोपीट. जो है ये जो कोकोनट का जो शेल होता है जिसमें से हम कोकोनट का पानी पी लेते हैं और या कई बार यहाँ पे इसमें क्रीम भी होती है, उसको निकाल के बाद में ये खाली हो जाता है और आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसको जो है काट करके इसको ग्राइंड करके इसका जो है कोकोपीट बनता है. तो इसमें मैंने जो है कोकोपीट डाला है और दूसरा एक कंपोनेंट है परलाइट. ये जो है एक तरह के रॉक होते हैं, रॉक से इसको बनाया जाता है और ये अपने आप में जो स्टरलाइज्ड रहता है ये वैसे बहुत अच्छा माना जाता है और इसमें जब पानी डालते हैं तो ये स्वेल करता है. तो इन दोनों चीज़ों का, कोकोपीट और परलाइट, दोनों का बेनिफिट ये है कि आपको बहुत कम पानी डालना पड़ता है अपनी फार्मिंग के लिए. तो किचन फार्मिंग, हम बहुत बड़ी फार्मिंग तो करने वाले हैं नहीं, तो किचन में तो हमें छोटी छोटी चीज़ें जो है धनिया है मेथी है ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाना होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. वो बात अलग है कि ये मैंने अभी जो है कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये सब चीज़ें कहाँ से अवेल करें, तो फ्रेंड्स ये मेरी हॉबी है. तो वैसे भी मैं वेजिटेशन लगाती हूँ तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इनोवेटिव भी हम हो सकते हैं. हम छोटी छोटी चीज़ों को जो कि वेस्ट कहें हम तो वेस्ट टू वेल्थ भी हम कह सकते हैं. जैसे कि मेरे पास एक है, आप देखेंगे अभी फोटो में, तो वो जो है मेरी वॉशिंग मशीन के नीचे ही इस तरह का थर्माकोल का जो है उसका लगा हुआ स्टैंड आया था. तो जो खाली जगह थी बीच में उसमें मैंने मिट्टी डाल करके और उसमें मैंने धनिया और पालक लगाया है. उसकी फोटो आपको मिलेगी क्योंकि ये रूम में मैं छोटी छोटी चीज़ें थी तो मैं ले आई. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कोकोपीट में मैं अभी क्या करती हूँ, ये जो मैंने इसका कोकोनट का शेल रखा है बना करके, ये बेसिकली मैंने सीडलिंग के लिए रखा है. तो इसमें आप देख भी सकते हैं जैसे यहाँ पर छोटा सा सीड जो है आ गया है जो है, इस तरह से मैं इसमें सीड्स डाल देती हूँ और फिर जो है मैं इसमें से लेकर के मैं शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है और ये कवर रहता है तो जल्दी सीड भी ग्रो करते हैं और दूसरा इसमें से शिफ्ट करना जो है आसान होता है. तो मैं इसको फिर पॉट में या दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हूँ. इसी तरह से आप देखेंगे कि एक पॉट में मैंने थोड़ी सी जो है मेथी लगा रखी है, वह भी आपको देखने को मिलेगी. और एक और इनोवेशन आपको देखने को मिलेगा, एक मेरा फ्लावर वाला पॉट था उसमें फ्लावरिंग प्लांट है और उसके नीचे जो है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लॉट था, पॉट था मेरा स्क्वायर, तो मैंने उसके जो नीचे है जगह बची हुई थी तो मैंने वहाँ पर पालक भी उगाया है, वह फोटो भी आपको देखने को मिलेगी. तो इस तरह से दोस्तों आप कम से कम जगह में और कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके भी हम जो है अपनी फार्मिंग जो किचन गार्डनर है वो बना सकते हैं और हम अच्छे फ्रेश प्रोडक्ट्स को पा सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक छोटा सा, ये देख रहे होंगे आप, ये अजवाइन का पौधा है. तो अजवाइन के पौधे ये बहुत ही सुंदर जो है इम्यून बूस्टर होता है और बड़ी ही अच्छी इसकी नेचुरल फ्रेग्रेंस आती है. आप चटनी में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं. तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई और बाकी जो मेरी आउटडोर फार्मिंग है वो आपको भी देखने को मिलेगी और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मैंने छोटी छोटी चीज़ों से जो है कोशिश की है कि हम अपना घर में भी विदाउट, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते तो हम पॉट नहीं ला सकते, अब बड़े पॉट नहीं है, मिट्टी भी नहीं मिल पा रही है, तो जो थोड़ी सी मिट्टी अवेलेबल हुई तो मैंने मिट्टी से कर लिया. तो इसी तरह से आप अपना कर सकते हैं, आसपास में आपके किसी पार्क से कहीं से अगर आपको मिट्टी मिलती है या घर में आपके थोड़े पॉट हैं तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं. कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि साबुत जो है मूँग की दाल रहेगी, मोठ रहेंगे है ना, और हरे वाले जो चने भी रहते हैं, ड्राई चने जो रहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, मेथी दाना है
और जो हमारी धनिया है, धनिया के साबुत दाने होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारी किचन में अवेलेबल भी होते हैं। आप ये ना समझें कि अब ऐसे में हम बीज कहाँ से लाएंगे, तो वो अवेलेबल भी हैं, तो आप उन्हीं को लगा लीजिए। तो आप देखेंगे, अब आप ये कहेंगे कि मूंग की दाल की अगर हम लगाते हैं तो उसका हम क्या करेंगे, पता नहीं कब जो है फलियां लगेंगी, दाल लगेगी। नहीं, आपको क्या करना है, मूंग की दाल की आप लगा लीजिए, और मूंग की दाल जैसे आप स्प्राउट करके थोड़ा सा रख सकते हैं, और उसमें जो है जो मूंग की जो दाल के आप लगाएंगे तो पत्ते बहुत सुंदर आते हैं, उनका अपना फ्रेग्रेंस बहुत सुंदर होता है, और वो बहुत ही नेचुरल जो है एज ए सब्जी आप उनकी बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है मूंग की दाल के पत्तों की। तो इसी प्रकार से आप ग्रो भी कर सकते हैं अपना यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बताया, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब करें, ये मेरा नया चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।